पन्नगे चे सुरेंद्र चे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। शरण शब्द हम कई बार काम लेते हैं और एक दिन में अनेक बार भी कईयों के काम आ जाता होगा। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहतों की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। यह एक आध्यात्मिक संदर्भ में शरण ग्रहण की बात है। सबसे मूल शरण तो धर्म की शरण है, केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण है। अरहत हैं उनमें भी धर्म है, सिद्ध हैं वे धर्म के द्वारा सिद्ध बने हैं, साधु हैं वे भी धर्म की साधना करने वाले हैं। इसलिए मूल तत्व धर्म है, अध्यात्म है, जिसकी शरण में आकर आदमी परम आनंद परम सुख को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रकार ने कहा, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमं पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा, कि ये जो तुम्हारे स्वजन वर्ग के लोग हैं, तुम्हारे मित्र आदि हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, वे तुमको शरण देने में समर्थ नहीं और तुम भी अपने पारिवारिक जनों को अपने मित्रों आदि को शरण और त्राण देने में समर्थ नहीं हो। एक निश्चय नहीं की बात, अध्यात्म की बात और एक सच्चाई मानो प्रकट की गई है कि न तुम दूसरों के त्राण और शरण बन सकते हो और न ही दूसरे तुम्हारे लिए त्राण और शरण बन सकते हैं। व्यवहार में हम देखते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से सहायता भी मिलती है, रक्षा भी प्राप्त हो जाती है, सुरक्षा भी मिल जाती है। कितने कितने प्रशिक्षित सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े राजनेता और आते हैं तो कितने सुरक्षा वाले भी, कितने पुलिस और लोग आसपास रहते हैं। यानी त्राण देने का, सुरक्षा करने का प्रयास किया जाता है और यों सुरक्षा होती भी है। बीमार होता है मरीज तो डॉक्टर उसको त्राण देने का, उसकी रक्षा करने का, उसको मरने से बचाने का, बीमारी से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। और कितने बीमार लोग स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं, शरीर में अनुकूलता का अनुभव करने लग जाते हैं। कोई गरीब होता है, कई धनाढ्य
दयालु लोग उनकी व्यवस्था कर देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तो उनको एक प्रकार से त्राण और शरण मिल जाता है। तो हम यह भी देखते हैं कि त्राण और शरण व्यवहार में एक सीमा तक मिल भी सकता है और मिलता भी है, मिलता भी होगा। परंतु शास्त्रकार ने भी जो बताया है वह भी एक सच्चाई प्रतीत हो रही है। सच्चाई कैसे? एक साधु था, वह एक उद्यान में, बगीचे में ध्यान कर रहा था, ध्यानस्थ था। एक राजा उस उद्यान में आ गया। राजा ने उस साधु को देखा, ध्यान में बैठा साधु था, तारुण्य मानो टपक रहा था साधु के शरीर में, युवा नव एकदम युवा अवस्था का साधु था और तेजस्वी अच्छा साधु लग रहा था। राजा ने उसको देखा कि यह युवक साधु बना हुआ है, इसको साधु क्यों बनना पड़ा? अभी इससे बात करनी चाहिए, साधु क्यों बन गया है? अभी तो यह आंखें बंद कर रखी है, ध्यान में है, थोड़ी देर में वेट करूं, प्रतीक्षा करूं, यह ध्यान पूरा कर लेगा, फिर मैं बात करूं। साधु ध्यान में बैठा था और ध्यान साधना भी एक अध्यात्म का अंग है। आज ध्यान का भी कुछ व्यापक रूप बना है, कितने कितने ध्यान के सेंटर चलते हैं। और मैंने मुंबई में भी देखा, कई जगह प्रेक्षा ध्यान के क्रम केंद्र या क्रम चलते हैं, जगह जगह मैंने कई जगह देखा या मुझे बताया गया, मैं भी वहाँ उधर गया कि प्रेक्षा ध्यान इधर चलता है। तो मुंबई जैसे शहर में यूँ कई जगह ध्यान चलता है, तो अच्छी बात है कि जहाँ लोग तनाव में और में रहने वाले थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत भी आत्मा की ओर प्रयाण हो तो अच्छी बात है। और ध्यान के द्वारा आदमी बाहर से कुछ भीतर की ओर आ सकता है। बाहर से हम बाहर में कितना देखते हैं, यह मुंबई जैसा महानगर जहाँ इतनी भौतिक चीज़ें, ये हमारी आँखें जो बाहर को देखती हैं, कुछ समय ऐसा भी आदमी लगाए कि बाहर को देखना बंद करके कुछ भीतर में रहने का प्रयास करे। तो ये मेडिटेशन, योग, ध्यान साधना, दुनिया में कितने ध्यान योग के केंद्र चलते होंगे। और योग दिवस जहाँ लोग एक्सरसाइज और करते होंगे, योग दिवस 21 तारीख 21 जून को, तो यूँ योग ध्यान का मानो कुछ प्रचार प्रसार भी हुआ है, लोग भी योग ध्यान कुछ करते हैं। कितने लोग सुबह एक्सरसाइज करते होंगे, कोई बगीचों में, कोई कहीं। तो ध्यान साधना एक अध्यात्म का अंग है, आत्मशुद्धि की दृष्टि से, चित्त शुद्धि की दृष्टि से ध्यान किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की चर्चा करते थे, प्रेक्षा ध्यान कराया जाता था, आज भी प्रेक्षा ध्यान चल रहा है। और प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुए अब तो 49-48 वर्ष हो चुके हैं, और 50 वर्ष की निकटता हो रही है जब प्रेक्षा ध्यान पद्धति का नामकरण हुआ था। तो यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति, मूल ध्यान साधना, अलग अलग नाम हैं ध्यान साधनाओं के,
राग द्वेष मुक्ति की दिशा में गति हो, समता की साधना बढ़े, भीतर में रहना हो, ऐसी ध्यान पद्धति वांछनीय है, अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, प्रसारणीय है। तो साधु ध्यान में बैठा था, शरीर स्थिर, आंखें उसकी कोमलता से मानो बंद, मेरुदंड और गर्दन सीधा। राजा देखता रहा कैसे स्थिरता में बैठा है। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली, ध्यान संपन्न किया, देखा सामने कोई खड़ा है, राजा खड़ा था। बोला, साधो, इस युवा अवस्था में साधु कैसे बने हुए हो? यह तो संसार में रहने का समय है, गार्हस्थ्य में रहने का समय है, साधु कैसे बन गए हो? तो साधु बोला, मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। राजा को चोट लगी भीतर में कि मेरे राज्य में कोई अनाथ और अनाथ होने के कारण कोई साधु बने, यह तो बड़ी चिंतन की बात है। हम फिर क्या करते हैं? हमारे राज्य में कोई अनाथ भी हो सकता है क्या, जिसको अनाथ होने के कारण से घरबार छोड़ना पड़े और साधु बनना पड़े? राजा के भीतर भाव जागा, एक सेवा का भाव मान लो, करुणा का भाव। तो राजा बोला कि साधो, मेरे साथ चलो, छोड़ो साधुपन को। तुम अनाथ कह रहे हो, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी मेरी होगी, तुम्हारा पूरे जीवन भर की सारी खान पान, रहना करना, जो भी तुम्हें जरूरत हो, सारी जरूरतों की पूर्ति राज्य की ओर से की जाएगी। तुम छोड़ो साधुपना, मेरे साथ आ जाओ। साधु भी जोरदार था। राजा ने जब कहा मैं तुम्हारा नाथ बनने को तैयार हूं, तब साधु बोला कि तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? राजा ने सोचा, ये मुझको जानता नहीं, मैं कौन आदमी हूं, मुझे सामान्य आदमी मानता होगा। राजा बोला, मुनि जी, आप जानते नहीं होगे मैं कौन आदमी हूं। मुनि जी बोले, मैं जानता हूं आप राजा हैं, मैं जानता हूं आप यहाँ के राजा हैं, फिर भी मैं कहता हूं आप खुद अनाथ हैं, मेरे क्या नाथ बनोगे? राजा को फिर चोट लगी कि मेरा जैसा सत्ताधीश, राज्य का स्वामी, जिसके पास इतनी संपदा, इतने नौकर चाकर, इतना लवाजमा ठाट बाट, तो मुझे अनाथ कह रहा है, या तो एक प्रकार से गाली होगी मेरे लिए कि तुम अनाथ हो, मुझे अनाथ कह रहा है। राजा बोला, महाराज आप बताओ, मुझे अनाथ कैसे कह रहे हो? तो मुनि जी बोले कि आप मेरा नाथ बनने की बात करते हो, आप यह बताओ, बुढ़ापे से आप मुझे बचा सकोगे? आप खुद बच सकोगे? बीमारी से मुझे जिंदगी भर बीमारी नहीं होगी, यह गारंटी आप ले सकते हो? मैं कभी मरूंगा नहीं, यह गारंटी आप ले सकते हो? मैं क्या, आप खुद भी कभी मरोगे नहीं, यह गारंटी खुद की आप ले सकते हो क्या? आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, यह खुद की गारंटी आप ले सकते हो क्या? आप कभी बूढ़े नहीं बनोगे, बुढ़ापा हावी नहीं होगा, यह गारंटी आप खुद की ले सकते हो क्या? बोला, मुनि जी, यह तो नहीं, न तुम्हारी ले सकता, न खुद की ले सकता। यह मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इनसे त्राण देना, इनसे बचा लेना, यह तो हाथ की बात नहीं है। तो राजन, और मैंने क्या कहा, आप तो खुद अनाथ हैं, खुद की भी सुरक्षा नहीं कर सकते आप, बीमारी से, बुढ़ापे से और मृत्यु से, फिर मेरे नाथ कैसे बनोगे? कि महाराज, ये बात तो आपने बहुत सही कही है,
तब वो साधु बोला कि मेरी छोटी सी कहानी आप सुनो, मैं कोई सामान्य घर का नहीं हूँ, अच्छे संपन्न घर का लड़का था मैं। हुआ क्या, एक बार मेरे आँख में पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया। मेरे पिताजी संपन्न थे, अच्छे वैद्यों को और को बुला लिया, डॉक्टर को भी आँख ठीक, वैद्य जी आए, मेरी आँख की पीड़ा को वे कम नहीं कर सके। मैं दर्द से ग्रस्त था, परिवार के लोग मेरे आसपास खड़े थे, किसी के आंखों में आंसू आ रहे थे, पर मेरी पीड़ा को कोई कम नहीं कर पा रहा था। तब मैंने सोचा, रे मैं असहाय हो गया, इतना धन हमारे पास है, पिताजी के पास है, वे इतने मेरे प्रति प्रेम रखने वाले हैं, लाड रखने वाले, पर मेरी आँख की पीड़ा को वे दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच लें कि कोई पुराना जमाना रहा होगा, आज बॉम्बे में लाओ किसी मरीज को, आँख का इलाज करा देंगे हम तो। आप लोग संपन्न, कई लोग जिनका संपर्क कर मानो संपन्न है कि भी हमारे पास किसी को लाओ, आँख में तकलीफ हो, हम इलाज करा देंगे, बॉम्बे में बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हॉस्पिटल व्यवस्थाएँ हैं, हो सकता है आँख का इलाज कोई बढ़िया कर भी दे। परंतु एकदम आँख की रोशनी समाप्त हो गई, मान लो उसका इलाज फिर भी कोई आँख का प्रत्यारोपण करके भी कोई कर दे, परंतु आज भी ऐसी स्थितियाँ बनती है, कई असाध्य बीमारियाँ हो जाती है। तो बॉम्बे ले जाओ, चाहे दिल्ली ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, कोई कोई ऐसी स्थिति बनती है कि डॉक्टर भी बचा नहीं सकते। डॉक्टर प्रयास कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, अंतिम दम तक पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर आखिर ऐसी भयंकर असाध्य बीमारी फैल जाती है, आखिर डॉक्टर भी मानो प्रणत हो जाते हैं, अब तो कोई उपाय है नहीं, अब तो ले जाओ भले, कोई उपाय नहीं है। तो कोई त्राण बन सकता है, इतने पैसे वाले परिवार, उनके घर में कोई बीमार हो गया और इतना पैसा घर में है, पर वो बचा नहीं सकते, कई बार उनकी आँखों के सामने अर्थी निकलती है। फिर ये इसका मतलब है, अंतिम त्राण कोई कौन बन सकता है? तो बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये ऐसी स्थितियाँ है, इनसे कई बार कोई त्राण नहीं बन सकता, न वहाँ पैसा काम आता। इतने सक्षम डॉक्टर हैं, वे भी एक स्थिति ऐसी आ जाती है, अब कोई इलाज नहीं है। तो शास्त्र ने कहा है, नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा, कि कोई फिर त्राण नहीं, कोई शरण नहीं बनता, तो फिर हमें सोचने को बाध्य होना पड़ सकता है कि आखिर त्राण ऐसा कौन हो सकता है जो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे। तो वो त्राण धर्म बन सकता है, धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना के द्वारा बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से ऐसी छुट्टी मिलती है, आत्मा मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती है, फिर न कभी मृत्यु है, न जन्म है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, परम रूप में वो आत्मा मोक्ष में विराजमान हो जाती है। तो अध्यात्म की साधना का अंतिम फल है मोक्ष की प्राप्ति। तो और दुनिया में कुछ भी मिल जाए, कितना भी आदमी प्राप्त कर ले, पर मौत कभी नहीं आएगी, यह गारंटी किसी की भी कौन ले सकता है? बीमारी कभी नहीं आएगी, यह भी पता नहीं, कोई गारंटी ले ले तो ले ले, पर हर किसी की गारंटी ले पाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में यह अध्यात्म है, धर्म है और वीतरागता की साधना है, राग द्वेष मुक्ति की साधना है, उसके द्वारा आदमी अशरीर अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है, तब सर्व दुख मुक्ति, सब दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो
दुनिया में कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने यह धर्म की अध्यात्म की गहरी साधना की है और एक आत्म साक्षात्कार मानो किया है, सच्चाई को प्राप्त किया है। और जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी हमें ऐसे पथ दर्शन, ऐसे निर्देश प्राप्त हो सकते हैं कि जीवन कैसे जीना। हर कोई साधु बन जाए यह तो कठिन बात है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे अध्यात्म की साधना भी चले, त्याग संयम भी चले, जीवन अच्छा हो। और जैसे जैसे उम्र 50 के बाद आगे बढ़ती है, 50 के बाद फिर आदमी को और अपनी साधना के प्रति जागरूक होना चाहिए। भी 70 आ गए, 75 आ गए, 80 आ गए, 85 आ गए, अब और ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके मैं अध्यात्म की साधना के प्रति भी जागरूक रहूं, अध्यात्म की साधना करूं कि धर्म है वो साथ, धर्म का प्रभाव साथ चल सकेगा। धन है और भौतिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रायः यहीं रह जाती हैं। तो धर्म का संचय करना चाहिए, अध्यात्म की साधना हमें करनी चाहिए। और 50 के बाद जीवन आगे बढ़ता है तो और समय समय पर जीवन में मोड़ लेकर ज़्यादा धर्म करने की दिशा में, साधना की दिशा में, या समाज की भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करने की दिशा में आदमी को प्रवृत्त होना चाहिए। और मूल आत्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति अलर्ट, जागरूक होना चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतम् धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिर्थं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्कवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गईमणुत्तरं देवदानवगंधव्वा जक्खरक्खस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्तितं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलं तेरापंथोस्तु मंगलं।
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम।